हेलो बच्चों, वेलकम टू पंकज फिजिक्स सेंटर। यदि हम पिछले वीडियो में आपसे डिस्कस किए थे कि नॉन यूनिफॉर्म रॉड होगा तो कैसे हीट करंट निकालेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, उसका यूनिट क्या होती है, साथ ही साथ उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं टेम्परेचर और एक्स के बीच, ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे टाइप करना हाउ टू फाइंड द नॉन यूनिफॉर्म रॉड इन हीट करंट, मतलब कैसे उसमें हीट करंट फाइंड आउट करेंगे, तो उसको आप देख के आओ ताकि आपको समझ में आएगा। चलो आज एक और छोटा सा टॉपिक है बच्चों कि एडियाबेटिक मटेरियल क्या होता है, डायएथमिक मटेरियल्स क्या होता है, इन सारे चीजों के बारे में कॉन्सेप्ट हम जानते हैं। एक लिखा हुआ है बच्चों एडियाबेटिक मटेरियल। एडियाबेटिक मटेरियल कहने का मतलब है बच्चों कि उसका के जो होगा, के कहने का क्या मतलब है, केल्विन नहीं समझना है बच्चों, के को हम थर्मल कंडक्टिविटी से डिनोट करते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे, मतलब हर एक मटेरियल की अलग अलग होती है, तो वह मटेरियल्स पे डिपेंड करता है कि वह क्या होगा उसकी थर्मल कंडक्टिविटी। तो ये सारी बात है। तो के जो होगा बच्चों डायएटमिक मतलब एडियाबेटिक मटेरियल के लिए के जो होगा बच्चों नेग्लिजिबल होगा, के जो होगा नेग्लिजिबल। कोई दिक्कत क्या, उसके साथ साथ के को क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है, थर्मल कंडक्टिविटी। अब देखो थोड़ी छोटी बात ध्यान से, यदि पीछे का वीडियो आपको देख के आए हो तो 100% समझ में आएगा, नहीं आए हो तब भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से मेरी बात को सुनो, आएगा समझ में। अब देखो बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी हमारा लो है तो क्या होगा, यदि एडियाबेटिक मटेरियल है, थर्मल कंडक्टिविटी कम है, तो इसकी रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब आर जो होगा थर्मल रेजिस्टेंस वह क्या होगी, ध्यान से देखो, यदि नेग्लिजिबल है तो थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा। अब कहोगे कि बात तो सर नहीं समझे, कैसे होगा हाई, तो देखिए थर्मल आर के बीच क्या रिलेशन है, एल अपॉन के बाई एफ, ये बढ़िया है ना। थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस जो होता है बच्चों रॉड का लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ रॉड, ये सारी बात है। अब बताओ कि के हमारा बहुत ही कम है, मतलब नेग्लिजिबल है, इसका मतलब नीचे यदि कोई क्वांटिटी बहुत ही कम है तो ओवरऑल क्या करेगा, ए बढ़ेगा ना, तो ए क्या होगा इनफाइनाइट, मतलब हाई करने का मतलब है इनफिनिटी भी हो सकता है, इनफिनिटी ना इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट मतलब ऐसा लिख सकते हैं इनफाइनाइट या इन्फिनिटी, तो ये सारी बात है। तो इन्फिनिटी होगा, यदि इन्फिनिटी हो गया मतलब आर इतनी ज्यादा हो गया तो क्या इसमें हीट करंट जो होगा बच्चों, हीट करंट क्या होगा, इससे पास कितना होगा, हीट करंट जो होगा वो जीरो पास होगा। यदि थर्मल रेजिस्टेंस हाई है तो हीट करंट क्या होगा, जीरो। सच टाइप ऑफ मटेरियल हम क्या लिखोगे बच्चों, such types of materials is called, क्या लिखोगे, adiabatic material हो गया। यदि बच्चों नहीं दिख रहा होगा तो क्या क्या है लिखा हुआ ध्यान से सुनो, हीट करेंट जो है वो जीरो है, सच टाइप ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड एडियाबेटिक मटेरियल। एडियाबेटिक मटेरियल में क्या क्या होता है फिर से ध्यान से सुनो, के नेग्लिजिबल होता है, के नेग्लिजिबल होने का मतलब क्या है, थर्मल रेजिस्टेंस हाई होगा। थर्मल रेजिस्टेंस हाई क्यों होगा, क्योंकि R इक्वल टू L बाई के ए का रिलेशन है, यदि K कम है तो ओवरऑल क्या होगा, R बढ़ेगा, इसलिए हम बोले कि थर्मल रेजिस्टेंस हाई होगी। यदि थर्मल रेजिस्टेंस हाई है तो यह हीट करंट क्या होगा, ध्यान से देख, हीट करंट जीरो कैसे हो जाएगा, तो I इक्वल टू क्या बढ़े हो बोल तो डेल्टा टी अपॉन R। यदि R ज्यादा है बच्चों, इन्फिनिटी है, तो यह क्या होगा, इससे कोई हीट करंट पास करेगा कि, तो I इसलिए जीरो हो जाता है,
ना, तो जीरो हुआ। तो इस टाइप की मटेरियल को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं एडियाबेटिक मटेरियल। चलो एक और छोटी सी बात है, इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। चलो एक और छोटा सा बात है, हम उसको बोलते हैं डाई एथमिक मटेरियल्स। क्या होता है डाई एथमिक मटेरियल्स, उसको ध्यान से समझो, उसमें कुछ नहीं है, मतलब उससे हीट करंट पास करेगा ना, यही बस सीधा सीधा बात है कि डाई एथमिक मटेरियल से हमारा हीट करंट पास करेगा। मतलब क्या है, हम स्टडी जो करते हैं हीट में वह क्या होगा, डाई एथमिक मटेरियल ही होगा, डाई एथमिक मटेरियल मटेरियल्स। कोई दिक्कत क्या, डाई एथमिक मटेरियल ना, तो क्या लिखोगे, इफ देयर इज फ्लो ऑफ हीट थ्रू अ मटेरियल देन क्या लिखोगे, देन इट इज नोन एज डाई एथमिक मटेरियल। कोई परेशानी है कि बच्चों, बस एक छोटी सी कहानी था कि एडियाबेटिक और डाई एथमिक मटेरियल्स में क्या डिफरेंस होता है, तो इस तरह से आप देखो। अब इसमें कुछ नहीं है, अगले क्लास में बच्चों जो भी आपसे हम डिस्कस किए हैं थ्योरी, उन सारे से हम रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे ना, जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, अपर लेवल तक क्वेश्चन करेंगे। तो हर क्वेश्चन आप टेंशन नहीं लेना है कि केवल थ्योरी पढ़ रहे हैं, हम क्वेश्चन का हर पार्ट बना रहे हैं ना। क्वेश्चन आप देखना, मेरा हर क्वेश्चन ऐसा है, मोटिव रहता है कि बच्चे को ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट क्या सिखाया जाए, एक ही टाइप का क्वेश्चन कम से कम कराया जाए, मतलब कराते ही नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन एक टाइप का, दूसरे क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट का, इस तरह से क्वेश्चन किया हुआ है, और क्वेश्चन का भी अलग अलग वीडियो बना हुआ है। तो आप देखना, प्रॉब्लम ऐसा लिखा होगा, प्रॉब्लम नंबर वन, मतलब प्रॉब्लम का पार्ट नंबर वन, पार्ट टू, ऐसे करके लिख के हम दे, मतलब वह थंबनेल में जो है वो नीचे लगाया जाता है ना, तो आप उसको देखो। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप क्या है, मतलब प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाके आप देखो, हर वीडियो आपको मिलेगा ना। तो बच्चों आई होप आप इसको स्टडी करेंगे, और क्या है फिर अगले वीडियो में आप हम पढ़ के आना है ना, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने क्या रखें, पढ़ाई पे ध्यान दो, दैट्स इट।